हेलो एवरीवन, आज हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश की यूनिट फोर की पोयम क्राइंग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा, क्राइंग ऑनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड, देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। यहाँ पर पोएट का आशय इन लाइनों से ये है कि थोड़ा रोने से कोई फायदा नहीं होता है, तुम्हें इतना रोना चाहिए, इतना अधिक रोना चाहिए कि जो तुम्हारा पिलो है, तुम्हारा जो तकिया है वो पूरी तरह भीग न जाए। सोक्ड मीन्स कम्प्लीटली वेट, पूरी तरह भीग न जाए, इतना रोना चाहिए। देन यू कैन जंप इन द शावर, और उसके बाद तुम्हें शावर के नीचे जाकर के जंप कूदना चाहिए और छप छप की आवाज से नहाना चाहिए। नहाने से आत्मिक शांति मिलती है, खुशी मिलती है और मन प्रसन्नता से भर जाता है। अब आता है स्टेंजा टू, देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा हा हा, उसके बाद तुम अपनी विंडो खोल सकते हो और जोर जोर से हंस सकते हो। एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, और यदि लोग कहें अरे वहां क्या हो रहा है, हा हा सिंग बैक, तो उन्हें गाते हुए जवाब देना, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ट इट हा हा, तो उन्हें कहना कि जो मेरी खुशी है वो मेरे आखिरी आंसुओं की बूंदों में छुपी हुई थी। मतलब बहुत ज्यादा रोने के बाद मन आत्मसंतुष्टि से भर जाता है, और बहुत ज्यादा रोने के बाद कवि का यह आशय है कि बहुत ज्यादा हम रो लेते हैं तो हमें थोड़ी सुकून मिलता है, शांति मिलती है और वो शांति रोने के बाद ही प्राप्त होती है। तो इस पोयम को लिखा था गैलवे किन्नेल ने, उनका आशय यही है कि थोड़ा रोने से कोई फायदा नहीं होता, रोना है तो खूब जी भर के रो और इतना अधिक रो कि हमारा तकिया पूरी तरह आंसुओं से भीग जाए, और उसके बाद शावर में जाना है, शावर लेना है, छप छप की आवाज निकालना है, छप छप की आवाज लेना है, पानी की ठंडी फुहारों के बीच अपने मन को प्रसन्न करना है और खुशी से आह्लादित होकर के अपनी विंडो ओपन करके गीत गाना है, खुशी के गाने गाना है। और लोग जब पूछे कि भाई तुम ऐसा अभी तो रो रहे हो, तो अभी तुम हंस क्यों रहे हो, तो उन्हें बोलना कि जो मेरी खुशी है, ये जो मेरी हैप्पीनेस है, आंसुओं की आखिरी बूंद के बाद ही मुझे प्राप्त हुई है। वीप इन रोना, WWE वीप इन रोना, इसका सेकेंड फॉर्म है वेप्ट। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन वन, अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू cry a little or should you cry a lot? Poet के अनुसार आपको कितना रोना चाहिए, थोड़ा कम या बहुत ज्यादा रोना चाहिए? तो इसका आंसर होगा according to the poet we should cry a lot, हमें poet के अनुसार बहुत ज्यादा रोना चाहिए। Question 2, what can you do after crying a lot? जब आप बहुत ज्यादा रो लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आंसर होगा We can go to park with our friends after crying a lot, or we can take shower after crying a lot, and we can sing a song. Question 3, read the first two lines of the poem. Is the mood happy, sad, angry, jealous or upset? जैसा कि हमने देखा first two line में जो mood है, इस कविता में जो मूड है वो हमें दिख रहा है सैडनेस का, मीन्स आंसर होगा इसमें सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लास्ट फ्यू लाइंस द मूड ऑफ द पोएट हैज चेंज्ड, व्हाट इज इट नाउ? इसमें आंसर होगा वेरी हैप्पी। लास्ट फ्यू लाइंस में पोएट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है, वेरी हैप्पी आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट और रॉन्ग, आर दिस सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? फर्स्ट, द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच, पोएट कहता है कि तुम्हें ज्यादा नहीं रोना चाहिए, जबकि हमने जब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा तब हमें पता लगा कि पोएट का कहना क्या है, यू मस्ट क्राई अ लॉट, तो इसका आंसर होगा रॉन्ग। नेक्स्ट है सेकंड, द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड, पोएट कहता है कि तुमको तब तक रोना चाहिए जब तक कि तुम्हारा पिलो पूरी तरह भीग ना जाए, तो इसका आंसर होगा राइट। Third, the poet says that after crying, you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. बहुत अधिक रोने के बाद तुमको अपनी विंडो ओपन कर लेना चाहिए और हंसना चाहिए ताकि लोग तुम्हें देखेंगे और वो समझ जाएंगे कि तुम हैप्पी हो, तुम खुश हो।
Next day, 4. The poet says that you should open the window and show people that you are crying. Poet कहता है कि तुम्हें window open कर लेना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि तुम रो रहे हो. इसका आंसर होगा wrong. Hopefully आपको यह हिंदी explanation समझ में आया होगा. तो अब मिलते हैं next video में. Till then, keep learning and keep studying.